हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जे स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे एक और केस स्टडी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, सैम्पल पेपर का है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो, दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी विच है सो मैनी स्कूल्स इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया। कहते हैं कि जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जिसको हम DPS के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके कहते बहुत सारे शहर में इंडिया के स्कूल्स हैं। वन ऑफ द ब्रांच ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल इज़ इन गाजियाबाद। उनमें से कहते एक उसकी जो ब्रांच है वो गाजियाबाद में है। इन दैट स्कूल थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन द क्लासरूम। कहते हैं कि हज़ार बच्चे हैं वो उस स्कूल में क्लासेज में पढ़ रहे हैं। आउट ऑफ दैम वन ऑफ द बॉयज स्टैंडिंग इन द ग्राउंड हैविंग कोऑर्डिनेट्स 4.1। तो उनमें से कहते एक जो बच्चा है वो ग्राउंड में खड़ा हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4.1 है। फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ उसका फेस है। ही मूव्स 4 units इन द स्टेट लाइन। वहाँ से वो स्टेट लाइन में 4 units मूव कर गया। देन टर्न्स लेफ्ट, वहाँ से फिर वो लेफ्ट की तरफ घूमा एंड मूव्स 3 units एंड स्टॉप्स, 3 units और आगे चला और फिर रुक गया। नाउ ही इज़ एट हिज होम। अभी कहते वो अपने कहाँ पहुँच गया, अपने घर में पहुँच गया। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी नीचे दी हुई है डायग्राम में, तो उसमें अगर आप देखोगे, देखो शुरू में वो यहाँ पे है, जो पॉइंट ए है, जो कि 4.1 उन्होंने दिया हुआ था हमें। तो इट मीन ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स उसके कहाँ के हैं, स्कूल के हैं, स्कूल के ग्राउंड के हैं, तो मीन्स एक तरह से स्कूल के ही हैं। तो वहाँ से वो मूव किया इस तरफ को 4 units, तो मीन्स पॉइंट बी पे पहुँच गया। फिर यहाँ से 3 units इस तरफ को गया, तो फिर वो अपने घर में पहुँच गया। मीन्स ये जो सी पॉइंट है, ये उसका क्या है, हाउस है। आगे चल के इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे उसका हाउस हो गया और ये ए पॉइंट पे उसका क्या हो गया, स्कूल हो गया। और ये हमें 4 units दिया हुआ है और ये हमको 3 units दिया हुआ है। तो उसके बाद आगे फिर इसके क्वेश्चंस हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहले तो हमने फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अभी क्योंकि वो पूरा लेफ्ट को घूमा था, तो मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 degree बनेगा। तो इट मीन्स जो ट्रायंगल है यहाँ पे हमारी, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इनटू हाइट लग जाएगा। तो हाफ और बेस इसमें क्या हो जाएगा हमारा, AB, और हाइट कौन सी हो जाएगी, BC। तो हाफ एज इट इज फार्मूले वाला, AB इसमें उन्होंने दे ही रखा है हमें 4 units, और BC भी बता दिया कि 3 units चला था उस तरफ वो। तो अभी ये कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे 2 आ गया कैंसिल करके, तो बाद में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 square units आ जाएगा उस ट्रायंगल का एरिया। तो ये हो गया हमारा उसका फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा हुआ है, इफ वी ड्रा परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी टू द एक्स एक्सिस। कहते हैं कि पॉइंट ए से भी यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर लगा दो, पॉइंट बी से भी यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर लगा दो। तो जो रीजन कवर्ड बाय दीज परपेंडिकुलर लाइंस है, मींस वहां से वो एक तरह से वो रेक्टेंगल बन गई, एक तो एक्स एक्सिस, एक जो ए बी लाइन सेगमेंट थी हमारी, एक जो हमने दो परपेंडिकुलर लगाए, तो उसके जो रीजन बना वो ये वाला बन गया पूरा, ये वाला। तो ये क्या रीजन बना है, एक तरह से रेक्टेंगल बन गया। तो अगर आप इसकी लेंथ देखोगे, जो लेंथ है इसकी वो कितनी है, वो तो 4 है ही, क्योंकि ए से लेके बी तक 4 दिया हुआ है। और जो इसकी ब्रेड्थ आएगी, जब ब्रेड्थ आएगी वो कितनी आएगी, वो 1 आएगी, क्योंकि देखो वाई एक्सिस पे अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, 4.0, और यहाँ पे 4.1 है। तो ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस देख लेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो एरिया ऑफ रीजन जो है, या रीजन कवर्ड बाय जो दीज परपेंडिकुलर लाइंस है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप में है जैसे मैंने बताया आपको, तो उसका फार्मूला होता है L इनटू B। तो L उसकी 4 है और ब्रेड्थ 1 है, तो मींस 4 square units आ जाएगा इसका रीजन का एरिया। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। तो अभी थर्ड पार्ट में क्या हुआ है, व्हाट इज द शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल। स्कूल और हाउस के बीच में उसका डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, मीन हमने AC फाइंड करना है, क्योंकि ए पॉइंट पे स्कूल है और सी पॉइंट के उसका हाउस है। तो आई थिंक आपको फार्मूला सभी को ध्यान में होगा ही, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट में X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, और प्लस में ऐसे ही फिर दूसरी ब्रैकेट में Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, और ये सारा स्क्वायर रूट में होता है।
तो यही डिस्टेंस फार्मूला अभी हम अप्लाई करेंगे। तो ए सी का जो अब सीसा है वो क्या है, वो है हमारे पास 8, और जो ए का अब सीसा है वो है 4, तो 8-4 का होल स्क्वायर हो गया। और ऐसे ही वाई टू हमारा क्या आएगा, सी का ऑर्डिनेट जो कि 4 है, और ऐसे ही ए का ऑर्डिनेट जो कि 1 है। तो इसको आगे जब आप सॉल्व करोगे तो 8 में से 4 माइनस करोगे 4 और उसका स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, आगे उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। इनको जब ऐड कर लोगे तो 25 आ जाएगा रूट में, और जब बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इट मीन्स स्कूल और उसके हाउस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 5 यूनिट्स। और जो इसका और वाला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट का, सपोज पॉइंट डी जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो हमने डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो एक तरह से हमारे पास ऐसे एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, और यहाँ पे इसके पॉइंट आ गया डी। तो अभी अगर आप देखोगे तो हमें चाहिए क्या, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, और इसको ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,1, और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8,1। तो पहले हम वो लिख लेते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 4,1 है, और इसके हैं 8,1, और जो उसकी रेशो है वो 1:2 दी हुई है। तो मीन्स एक तरह से अगर आप रेशो के जो मीन्स वेरिएबल्स हैं उनको अगर एम और एन मानते हो, तो एम की वैल्यू 1 आ गई और एन की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो अब सीसा फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन और अपॉन में एम प्लस एन। और ऐसे ही ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एम वाई टू प्लस में एन वाई वन अपॉन में वही जो रेशियोज होती है उनका सम होता है, मीन्स एम प्लस एन। एम वन एम टू भी यूज कर सकते हो, एम और एन भी यूज कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे एक्स फाइंड कर लेंगे डी का, मीन्स अब सीसा। तो m हमारा कितना है, 1 है, और x2 जो है वो है 8 प्लस में n की वैल्यू 2, और इस तरफ हमारा है 4, और नीचे हमारा आ जाएगा 1+2। तो 8 × 1 = 8, 4×2 = 8 अपॉन में कितना आ गया 3, ऐड करोगे तो 16 और अपॉन में आ गया 3। इसी तरह से हम d का जो ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो ये हमारा 1 × उसका जो ऑर्डिनेट है वो 1 ही है, और प्लस में 2 × 1 और अपॉन में हमारा वही 1+2। तो 1 × 1 = 1 हो गया, 2 × 1 = 2 हो गया, अपॉन में 1+2 = 3 हो गया। तो ऊपर ऐड करोगे तो वो भी 3 हो जाएगा और नीचे भी 3 हो जाएगा, तो मीन्स 1 हो गया। तो जो डी है हमारा पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 16/3, 1, और यही हमने फाइंड भी करना था। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको समझ में आया, अच्छी तरह से अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।